हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जिया स्टाइल में। दोस्तों बहुत सी कमेंट्स रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं कमेंट्स रहती है कि मतलब लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं। दोस्तों लंबी वीडियो हम नहीं बनाते हैं, लंबी वीडियो जो है वो बन जाती है जो कि असलियत जो बातें होती है वो करते करते खुद ही वो लंबी वीडियो हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा भी लंबी नहीं बनाते कि 1 घंटा हो जाए, बहुत लंबी होगी तो आधा घंटे से 1-2 मिनट हो जाएगी। हालांकि हम इसमें टाइमिंग नहीं देखते हैं, जो बात पूरी है वो जब तक कि आपको बताएंगे नहीं आपकी समझ कैसे आएगी। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों कि पतंगबाजी एक ऐसी जो है कला है कि आदमी अगर इसमें रंग जाता है तो उसको बस लगता है कि हम कौन सी कला करके और सामने वाले को जो है प्रसन्न कर दें, कौन सी पेच हम लड़ाए पड़े हैं जो सामने वाला देखे और वो खुश हो जाए। तो अब किसी को पतंगबाजी नहीं आती और पतंग उड़ानी आ गई है तो अब वो सीखे कैसे, यानी उसको बहुत शौक है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो पतंगबाजी जो है वो कर सकता है। तो उसमें होता क्या है कि वो पतंगबाजी करे कैसे, और वो लड़ाता है कट जाता है, बार बार वही पेच कर लेता है। तो हम अपने से सीखने के लिए क्या करेंगे, कोई सी भी पेच हो हम अपने से सीखने के लिए खुद ही सीखना पड़ेगा वो कैसे। आज हम उसमें थोड़ा सा दिखाएंगे भी और इसी मौजू पे बात भी करेंगे। तो आइए दिखाते हैं थोड़ा सा आपको कैसे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, आज पहले हम ऊपर की पेच देखते हैं कैसे सीखते हैं। मान लिया कि कोई आदमी ये नारंगी वाला देख रहे हैं, आपकी वीडियो में हमारे ख्याल वो बाएं तरफ ही दिख रहा है, तो ये वाली नारंगी है ये सी, ठीक है, ये वाली नारंगी है और ये हमारे राइट से उड़ा है आप लोग। तो होता क्या है कि हम जो है मान लिया कि हम ये बैगनी वाली हैं और अपोजिट पार्टी ये नारंगी वाला है, ठीक है। तो वो ऐसे करके घुस के आता है, ठीक है, ये घुस के आया और हम ऐसे करके चले नीचे की तरफ और उसने फिर चक्कर दिया ऐसे करके और वो पकड़ के ऐसे बहुत तेज़ी से खींच लो, हमने जैसे ही ऐसे मुड्ढा बाहर किया बाहर की तरफ हमारी पतंग कट गया, उसने बहुत तेज़ी से ऐसे करके खींच लिया। तो हमने ये बाहर का मुड्ढा मारा था, ठीक है, ये बाहर की तरफ हमने जो है इस तरह मारा था तो हमारी कट गई अभी, ठीक है। तो एक हो गया है, अब हमें ये भी देखना है कि हमने पतंग की कितनी दूरी पे मारा था, हमको ये भी देखना है कि हमने पतंग की कितनी दूरी पे मारा था। ये और ये दो चीज़ जो है, एक मुड्ढा हमें अपना देखना है और उसकी पतंग का मुड्ढा देखना है, ठीक है, उसकी पतंग का मुड्ढा देखना है वो कैसे खींची था और हमने कैसे मारा था और कितनी दूरी पे पतंग की जो दूरी होती है वो कहाँ पे मारा था और कितनी ऊंचाई से मारा था, यानी 4-5 चीज़ हमको एकदम से याद करनी कि हमने क्या क्या किया था, ठीक है। उसके बाद फिर वही पेच आ गई, फिर पेच वही आ गई, फिर वो नीचे से आया और हम फिर ऊपर से गए और हमने पहले हमने यहाँ पे मारा था, अब हम थोड़ा सा और बीच में आ जाएंगे, ठीक है, उसके बीच में, यानी हम लोग उसको कमर बोलते हैं। अगर आदमी के ऊपर से नीचे तक का हिस्सा कमर देखें तो बीच हो जाता है लगभग कमर के नीचे थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे आके सेम वही चीज़ मारेंगे फिर से, जैसे उधर का गद्दा मारा था सेम मारेंगे, वो फिर वो पकड़ के ऐसे पकड़ के खींच ले गए इस तरफ का मुट्ठा। तो ये तो दो पेच हो गई, एक वहाँ पे भी मारा एक यहाँ पे मारा और किरास मारा था हमारी चली गई पतंग, ठीक है। फिर हम आएंगे तीसरी पेच की तरफ, यानी इसी पेच को फिर से हम पतंग उड़ाएंगे, यानी ये हम सिखा ये रहे हैं कि आप खुद से अपना सीख जाइए कि कैसे सीखते हैंगे, ये आज का मौजू ये कैसे सीखते हैं। फिर से हम ये नीचे से, वो अपोजिट पार्टी नीचे से आया और नीचे से आगे चक्कर दे रहा है और अब की से हम फिर जो पहली जगह पे हम मार लड़ाया था पतंग को पहली जगह पे वहाँ पे ही लड़ाएंगे और अब की से हम चक्कर दे के जैसे ही वो ऐसे करके खींचता है बाहर की तरफ, ये मुड्ढा ऐसे चक्कर दिया उसने और बाहर की तरफ ऐसे खींचा, तो हम अब की से हम क्या करेंगे, हम अपनी पतंग का मुड्ढा जो है
हम ऐसे करके उसके हाथ की तरफ जोरों का ऐसे मार देंगे, यानी हम जो है ये तीसरी पेच किया है उसके हाथ की तरफ जोरों से, जैसे ही वो बाहर की तरफ खींच के मारते हैं हाथों की तरफ ऐसे जोरों से ऐसे करके मार देंगे, ठीक है, ऐसे करके मारेंगे उसके खींचते ही मान, जैसे ही वो खींचते हैं हम उसके हाथ की तरफ मारेंगे। तो ये तीन पेच होगी। अब जब तीन पेच होगी दोस्तों, तो इसमें दो पेच में हमने उसको दो पेच, हम एक जो है वो नीचे से आया तो हमने उसको यहाँ पे यानी उसके जो है मजबूत जगह पे बाहर की तरफ मारा, वो अपना जो है खींच ले गए अपने हाथ की तरफ बहुत पावर से, उसने काट लिया। दूसरा आए हम यहाँ पे मारा, वही मुड्ढा लेके, कोने वाला मुड्ढा लेके, फिर वो खींच के ले गया, ठीक है। तीसरी बार जब हम आए तो जब वो ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा तो हम उसके हाथ की तरफ मार रहे हैं, ऐसे पतंग का मुड्ढा ऐसे करके मार रहा है, तो उसकी पतंग जो है कट गई। तो हमें ये चीज़ को याद रखना है कि, लेकिन ये भी आपको इस बात के साथ ऐड कर देते हैं कि जिस जगह से आप लड़ा रहे हैं, जिस जगह से लड़ा रहे हैं उस जगह की ये पेच है, पेच सही है उस जगह पे की पेच है जहाँ से हम लोग लड़ा रहे हैं अभी। हर जगह पे कहीं से भी आप लड़ाएंगे, अगर आपका अंदाज़ा सटीक बैठ गया पहली ही बार में तो आप वही पेच करिए, और नहीं तो जहाँ से आप, ये हमने बताया जहाँ से आप लड़ा रहे हैं ये वहाँ पर की ही पेच है, ये आप ना समझे कि यही पेच हम सारी जगह पे से काट लेंगे। हो सकता है कि सारी जगह पे, अगर मान लीजिए जो पहले आपने गद्दा मारा था पहली वाली पेच, आप ये वीडियो को फिर से चाहे देखिएगा, पहली जो हमने बताया कि वो उसके हम ऐसे करके कन्ने की तरफ मारा था, हो सकता है कि वो पहले ही कट जाए, पहली ही पेच में वो कट जाए, क्योंकि वो भी पेच आपकी मजबूत थी, और उसके बाद में कमर पे जो आके मारा था वो भी पेच मजबूत थी, और अंदर का जो मारा है अभी ये भी पेच मजबूत है, तीनों पेच मजबूत है, लेकिन जगह की वजह से वो कट गई। तो जिस जगह पे अभी आप खड़े हुए हैं, यानी जो हमने तीन पतंग की सीखने की जो विधि बताई, जो सीखने का तरीका बताया, तो वहाँ पे वो आपका उस जगह पे अंदर का काम कर रहा है, यानी हम जब उसको अंदर की तरफ मारेंगे, जितनी लेवल में हम पतंग लड़ा रहे थे उस लेवल में हमें उसको अंदर की तरफ मार के काटना, अगर ऐसी स्थिति हुई जो बार बार वो खींच रहा है, अगर वो खींचता है तो वैसे में आपको अंदर की तरफ भरपूर मार देना, क्योंकि वो पूरा की पूरा खींच के ले जा रहा है। और इस चीज़ को भी आपको दिमाग में बैठा ले रहना, जैसे एक कट के उसने पूरा खींच लिया, यानी पूरा ऐसे आया ऐसे पूरा खींच के ले गया, खींच के ऐसे थपक्का नहीं मारा, वो खींचा खींच के ले गया, दोबारा आया फिर नोच के ले गया, यानी दोबारा भी खींच के ले गया। अब तिवारा में ये भी हमें याद में रखना है कि वो पूरा खींच के जा रहा है, तो जब वो पूरा खींच के जा रहा है, बस जैसे ही वो मुट्ठा बाहर का बनाया उसके हम हाथ की तरफ का ही, यानी उसके हाथ की तरफ, अगर ये साइड से है तो इसके हाथ की तरफ, और ये साइड से उड़ाया तो इसके हाथ की तरफ, ऐसे करके ऐसे गद्दा मारा तो उसकी पतंग कट गई। तो यहाँ पे ये सीख ले लेना है, जहाँ से हम पतंग लड़ा रहे हैं उस जगह पे अगर कोई उनके तरफ से अपोजिट पार्टी से इस तरह की पेच करेगा तो हमें अंदर वाला ऐसे करके गद्दा मार देना है। हालांकि आपका पहले भी जो गद्दा मारा वो भी ठीक था, कमर पे जो मारा वो भी ठीक था, लेकिन क्या है जगह के हिसाब से वो किरास बैठ रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है पतंग को सीखते हैं, ठीक है, ये सीख गए कि हम इस तरह से, यानी तीन पतंग में हमें फैसला करना है कि उसको काटना है हमें किसी तरीके से। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी जगह पे गए और आपको याद है कि हमने अंदर वाला मारा था तो काट लिया था, आप वहाँ गए, जाने के बाद में उसने, यानी दूसरी जगह की बात करें जिस जगह पे अभी लड़ा रहे हैं वहाँ, यानी दूसरी जगह पे, वहाँ पे गए उसने ऐसे ही बाहर की तरफ खींचा, आप जैसे ही अंदर की तरफ ऐसे मुट्ठा करके खींच मारा है आपकी चली गई, अब वहाँ पे की टाइमिंग अलग बैठ रही है और यहाँ की टाइमिंग अलग बैठ रही थी, तो वहाँ की टाइमिंग के हिसाब से आपने जब अंदर मारा आपने तो यहाँ देख के गए थे वो पेच वहाँ पे किया, चूँकि ये याद थी कट गए, अब क्या करें। फिर वो जैसे ही आए बाहर की तरफ खींच रहा है, आपने उसके यहाँ पास मारा जैसे पहले फर्स्ट वाले में आपने मारा था, कट गए थे यहाँ, यहाँ पे भी मारा वो कट गए, फिर उसके बाद वो आया, फिर और हम जब कमर पे जाके उसको ऐसे करके डुबो के मारा है बाहर की तरफ,
तो वो कट गया, तो उस जगह पे वो बीच वाली पेच आपकी बैठ रही है, यानी उसकी जगह के हिसाब से वो बीच वाली पेच जो है बैठ रही है। तो हमें वहाँ पे वो पेच करना है, ना कि हमें ये वाली पेच करना है। तो हर जगह पे जहाँ पे जगह का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो जिस जगह पे आपकी जो पेच बैठ रही है तो वो पेच आपको वहाँ पे लड़ाना है। तो आप जो है इस तरह से बहुत अच्छी पतंगबाजी आप करके सीख जाएंगे और कोई आदमी आपको साथ नहीं काट सकता। अगर आप पहले में ही टाइमिंग अगर आपकी सही हो गई है तो पहले से ही उतनी ही उसी तरीके से आप काटते जाइए। ठीक इस तरह से आज की जो ऊपर की पेच है, उम्मीद है कि हमारे भाई के जो है ये समझ में आ गया होगा। और इस पेच में और भी बहुत सी पेच है, ये एक ही पेच नहीं है, और भी पेच है। तो उसको हम उम्मीद है कि हम जो है कल समझाएंगे, क्योंकि वीडियो वाकई में लंबी हो जाती है तो लोगों के समझ में नहीं आता। तो इस तरह से आप लोगों को कल कोशिश करेंगे कि जो है वीडियो इसी मौजू पे दूसरी बनाएंगे और ऊपर से यही वाले गद्दे पे बनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियो रहती थी कि खुद कन्फ्यूज़ आदमी हो जाता है कि कौन वाली वीडियो कैसी है, तो हम कैसे उसमें टाइटल्स का नाम दें। इतनी ढेर सारी वीडियो टाइटल्स भी समझ नहीं आता क्या नाम दें। तो हमारे ख्याल से हम इसमें कुछ हैश दे के और उसमें पार्ट वन लिख के आइए पतंग सीखते हैं ऊपर से किस तरह से काटना चाहिए, और ख़ुद से लड़ा के अपने से ही सीख लें। तो इस तरह का कुछ टाइटल से पार्ट वन पार्ट टू करके देंगे, तो आप लोग दोस्तों 1 2 3 इस तरह से करके आप देखिएगा, उसमें कुछ हैश या स्टार वगैरह दे देंगे जिसमें आपको पता चले कि हाँ ये स्टार जो बना है ये वाली इस तरह की वीडियो है। तो कुछ इस तरह का ही ऐसे ही करके हम जो है टाइटल से नेम देंगे, तो आप लोगों को देखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। और वीडियो इसी तरह से समझाने में वीडियो लंबी हो जाती है। और एक चीज़ और आप लोगों से ऐड करेंगे, जैसे कि रोज़ हम ऐड करते हैं, कोरोना वगैरह से बिल्कुल से ना डरिए। सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालिए कि कोई बीमारी नहीं है, जो मौसमी बीमारी होती है ये डर निकालना पड़ेगा। अगर आप कोरोना 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 जो यूट्यूब पे टीवी पे अखबार में रोज़ सुबह आप उठ के देखते हैं, वही आपके यहाँ बैठ जाती है। मरता इंसान अपनी मौत से, जब उसकी मौत लिखी हुई है उसके अलावा किसी और की मजाल नहीं है कि वो आदमी को मार पाएगा। रब फरमाता है कि हमने तुम्हारी मौत को लिख दी है, वो जिस दिन लिखी है उस दिन आ जाएगी। ये सब बहाना होता है, कोरोना हो गया या दूसरी चीज़ हो गई, ये मौसम के बदलने से हर इंसान बीमार होता है। आप अपने बचपन से अपने बाप दादा से पूछिए कि ये साल भर से जो कोरोना आया इसके पहले क्या ऐसा बुखार नहीं आया, या ऐसी खांसी नहीं आई, या ऐसा ज़ुकाम नहीं हुआ। वो लोग क्या करते थे, जो चांदा आप लोगों ने सुना होगा, जंगी जो चांदा ज़्यादातर इसका यूज़ होता था। हम अपने बचपन में भी देखा है ज़्यादातर इसका यूज़ होता था, वो आदमी एकदम ठीक हो जाता था, मजबूत हो जाता, बुखार रहती है, लेकिन ये 15 दिन के अंदर जो जिस्म के अंदर हमारे कुदरत ने, रब ने, ईश्वर ने जो ऐसी चीज़ बनाई है कि वो बाहर से आने वाले जो दुश्मन कीटाणु होते हैं उनको मारने की क्षमता पैदा हो जाती है और वो उसको मार देता है। और जिसकी मौत इसी बहाने से लिखी है तो वो उसकी मौत होनी होनी है, ये ना समझिए कि वो कोरोना से होगी। अगर मौत लिखी है तो कोरोना हो और चाहे ना हो, आपकी मौत होनी ही होनी है। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, अगर गवर्नमेंट हमारी जैसे एहतियात के लिए कहती है उस पर भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हेल्थ विभाग है, जो सही लोग हैं, अभी इस आड़ में दोस्तों बहुत से डॉक्टर लोग जो पहले से ख़राब थे, यानी हमारे इस दौर में नहीं, जो पहले से ख़राब थे, वो इस दरमियान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम ऊपर वाले दुआ करेंगे हमारे कुछ इंसान जो हमारे देश में अच्छे लोग रहते हैं वो आगे आएं और इस चीज़ को लड़ भिड़ के बातों के ज़रिए, यानी कोर्ट से, जो पढ़े लिखे लोग हैं कोर्ट से या क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जैसे भी करके इसको लड़ भिड़ के इस पे कंट्रोल किया जाए। चूँकि बहुत सारे जो ख़राब डॉक्टर हैं, अच्छे लोगों की नहीं, चूँकि अच्छे लोगों को तो आप देखें लगे हुए हैं दवा बनाने में भी,
और इलाज करने में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो दवा भी गलत बनाते थे। पहले से भी आप लोगों को पता है कि नकली दवाइयाँ चलती थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये टाइम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब एक आदमी जाके यहाँ वहाँ सब जगह नहीं देख सकता, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। और हम लिखा पढ़ी के ज़रिए, आज आप लोग काफ़ी लिखे पढ़े हैं, यानी माशाल्लाह काफ़ी लोग इतना अच्छा अच्छा पढ़े जो घर बैठे हैं, तो आप लेके एक एक चिट्ठी भी लिखिए हमारे पीएम को और सीएम को, जो भी है जहाँ ऑफिसर को, जो अच्छे लोग हैं उनको चिट्ठी लिखिए कि इस तरह की धांधलियाँ हो रही है, इस पर कंट्रोल करिए। वो लोग ज़रूर सुनेंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग कम से कम एक चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी लिखिए। यूट्यूब एक ऐसा रब ने ऐसी चीज़ दुनिया में बनवा दी है इंसान से कि आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब के ज़रिए भेजिए और बताइए कि ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि एक आदमी पूरे देश में जा के नहीं देख सकता, ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये कोरोना का एक आड़ लेके और जो बुरे लोग हैं उसमें, यानी उनकी बुराई तो ख़त्म हो गई ऐसे आम जिंदगी में, तो ये आड़ लेके उसमें बुराइयों को अपना अंजाम दे रहे हैं और उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जगह जगह देखिए, टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विट पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे यही सब चीज़ें चल रही। तो इस पर आप लोग भी कमेंट्स करें, इस पर वीडियो भेजें, लोगों को समझाएं कि आप लोग ऐसा ना करिए, ये सब जो है गैर कानूनी है। अब किसी का लड़का बीमार है, जवान है, उसका गुर्दा निकाल के भेज दिया, बाद में बोले कि इसकी ये तो जो है कोरोना इसको था, हकीकत में नहीं था। बस डर लोगों के अंदर आ गया है कि आदमी को बुखार आया, परेशान हो गए। अब बुखार आया, आजकल गर्मी भी हो रही है, आदमी ठंडा गर्म ये सब पीता रहता है, उसमें उल्टी भी आ रही, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा से हुई है। अपने बाप दादाओं से पूछिए, अपने जो बड़े हों जिनके 50-60 साल है, जो उनसे पूछिए, वो लोग बताएंगे कि उनके पहले क्या हुआ। तो ये सब जो बुरे लोग हैं इस वक्त, तो वो लोग छा गए हैं, यानी अच्छाई दब गई है अभी फ़िलहाल, लेकिन अच्छाई जब उभरती है तो फिर बुराई को एकदम ख़त्म कर देती है। तो आप सभी, हम सब मिल के इस चीज़ को उजागर करें और कानून को बोलें कि बुराइयां जो इस तरह की हो रही है उस पर जाके कंट्रोल करें। लोग तो ऐसे भी सावधानी बरते हुए मास्क लगाते हैं, बाहर रोड पे चलते हैं, सामान लेने जाते हैं। जो लोग नहीं लगाते वो एक गलत तरीका है। आप लोग भी जो है मास्क लगाइए, बाहर चलते समय मास्क ज़रूरी है। मास्क तो ऐसे भी लगाना चाहिए क्योंकि इतना प्रदूषण रहता है, आप देखें मिट्टी उड़ती रहती है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं पे नाले बह रहे हैं, तो ऐसे भी हमारे अंदर जरासीम जाते हैं, तो उनकी वजह से भी जो बीमारी होती है वो हमें जन्म देती है। तो ये तो उससे बचाव भी उसको ऐसे भी लगाना चाहिए। और अगर किसी को बुखार वगैरह है तो आम बुखार की दवा जो होती है जैसे पहले लिया करते थे कोरोना के, वैसे ही आप लेते जाइए, 15 दिन में आप एकदम ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद। बस यहाँ से निकाल दीजिए कि आपको कोरोना या कोई ऐसी बीमारी है। ये मौसमी होता है और उसमें जो मौसमी है उसी को ही कोरोना नाम दे दिएगा, तो आप इतना घबराएं नहीं कि हमें बस थोड़ा सा हुआ, हम चले गए चेकअप कराने यहाँ वहाँ दुनिया भर का। तो बहुत सारे ख़राब डॉक्टर जो यही काम करते थे पहले से ही, उनको आज मौका मिल गया है और उस मौके का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अक्सर आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो हम उन लोगों से भी हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भाइयों आप लोग इस तरह ना करिए, लोगों की जान बचाइए और सही तरीके से जान बचाए। उनको जो खांसी बुखार ज़ुकाम की दवा है आप अपने यहाँ एडमिट भी करिए, यही सब दवा दे के उनको सही करिए। ऑक्सीजन तो आम ज़िंदगी में पहले भी दिया जाता था, जिनको सांस लेने में दिक्कत थी तो पहले भी दिया जाता था, कोरोना के पहले भी, और आज भी दे रहे हैं। आवाज उसका एक बहाना बना के कोरोना, उसका दिल गुर्दा कलेजी जो भी है निकाल के बाहर भेज दिया, कहीं भी जो भी उनका होगा, क्योंकि बेचते तो थे ही पहले भी, कभी पकड़े गए कभी नहीं पकड़े गए, पकड़ गए तो ठीक है, नहीं पकड़े गए तो जब तक बचे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के पास भी ना जाए, अपने घर पर रहें, अपने घर से ही अपना कोशिश करें घरेलू इलाज करके और अपने आप को सही करने की कोशिश करिए, इसी में ही भलाई है। और नहीं तो जितना ज़्यादा आप जो है जाएँगे, बहुत सारे
जो थोड़ा सा भी डॉक्टरी सीख गए हैं और उनका जहन जो है पैसा लूटने का, वो लोग क्या करते हैं, बस आपको पकड़ लेंगे तो आपको छोड़ेंगे ना, आपका घर तक बिक जाएगा। उनकी जेब जो है, जेब भरनी चाहिए बस, बाकी मरीज मर रहा है नहीं मर रहा उनको फिक्र नहीं होती। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, यार अब सभी लोगों को, हमारे देशवासियों को स्वस्थ रखे और हर बुराइयों से बचाए, हर जिद बीमारियों से बचाए, यही हमारी दुआ है। आप भी दुआ हमारे लिए भी मांगिए, हमारे सभी भाइयों के लिए। हम यही दुआ के साथ में अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।